चरखी दादरी में बर्खास्त पीटीआई 2010 का क्रमिक अनशन आज 23वें दिन लघु शौचालय चरखी दादरी के प्रांगण में जिला सचिव उदय सिंह की अध्यक्षता में जारी रहा। बबीता माया, करमवीर व हरेंद्र आज के अनशनकारी रहे। उदय सिंह ने राज्य संघ समिति के कार्यक्रम के अनुसार आज काली तीज के कार्यक्रम के बारे में सभी साथी पीटीआई को अवगत कराया। वह कार्यक्रम के सफल आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के बाद अनशन स्थल से दादरी शहर में काला कपड़ा बांधकर रैली निकालते हुए सरकार की कुनीतियों के पर्चे शहर में बांटे। जिले के सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने भी शहर में रैली के दौरान सहयोग किया। आज ये सिर्फ इसीलिए है कि हम 1983 पीटीआई को जो हरियाणा सरकार ने रोड पर बिठा दिया है और हमारे त्योहारों में कोई खुशी नहीं छोड़ी है, इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश में हम काला तीज त्यौहार के रूप में मना रहे हैं और भविष्य में भी जितने भी त्यौहार जब तक पीटीआई की बहाली नहीं होती आएंगे उनको काले त्यौहार के रूप में हम मनाएंगे। इसकी सदस्य कमेटी बनाई गई थी, क्या उसकी अभी बातचीत शुरू हो पाई है? उस कमेटी की बातचीत का कल का आश्वासन दिया है, लेकिन हमारा स्टेट बॉडी का जो शेड्यूल है पहले से पूरे हफ्ते का बन जाता है, उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहे हैं। नाम क्या है? उदय सिंह, पीटीआई। आम जनता तीज का त्यौहार मना रही है और हमारे पीटीआई साथी इस त्यौहार के दिन काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। अगर आने वाले भविष्य में सरकार नहीं चेती और इस 1983 पीटीआई